अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार एक चिल सी कूल सी सैलड के साथ। ठीक है, सैलड ऐसी है आज के बीटरूट की और ताहिनी की सैलड है। कल मैंने ताहिनी से आपको केक बनाना सिखाया था और आपको मैंने कहा भी था कि सिर्फ हुमस में हम ताहिनी नहीं इस्तेमाल करते हैं। ताहिनी क्या है जी, यहाँ बोल में आपको नज़र आ रहा है, ताहिनी इज़ अ पेस्ट सफ़ेद तिल और ऑलिव ऑयल का। ठीक है, ये रेडीमेड मिल जाता है, आप घर में बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, बट यू हैव टू प्रोसेस योर सेसमी सीड्स तिल काफ़ी देर तक, थोड़ा थोड़ा आप ऑलिव ऑयल डालें और जब तक इस तरह का पेस्ट नहीं बन जाए। लेकिन इतना क्यों हम करें जब ये बन जाता है, मिल जाता है मार्केट में। ठीक है जी, ताहिनी के बॉटल्स बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के मिल जाते हैं, फ्रिज में ला के रख लीजिएगा। मिक्स अच्छी तरह करिएगा इस्तेमाल करने से पहले, बिकॉज पानी इसका जो लिक्विड है ऊपर रह जाता है, नीचे वो बैठ जाता है गाढ़ा सा इसका लिक्विड जो है वो। सो जस्ट मिक्स इट एंड यूज़ इट फ्रॉम द बॉटल। तो इसको बस हमें असेंबल करना है, लेकिन हम इसमें डालेंगे क्या, मेन अज्जा क्या है, बीटरूट। बीट ताहिनी सैलड है ना आज, बीटरूट्स हैं यहाँ, चुकंदर, छोटे चार चुकंदर हैं, उनको मैंने एक घंटे के लिए अवन में डाल के रोस्ट कर दिया था इस फॉइल में। ठीक है, और फिर इसको हम छीलेंगे, कट करेंगे क्यूब्स में, और फिर इसको हम सैलड के तौर पर बना के चिल करिए और इन्जॉय करिए, बिकॉज गर्मी बहुत है, सालन खाने का, पके हुए खाने खाने का नहीं दिल करे तो फिर ऐसी चीज़ें बना के रख लीजिए, चिल कर लीजिए, एटलीस्ट लंच टाइम पे ऐसे खाइए, फिर डिनर पे आप कुछ भी और खा सकते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट रेसिपी, मीठा तो हमेशा होता है हमारे शो पे, चॉकलेट चिप कुकीज़ हम बना रहे हैं आज, लेकिन विथ अ डिफरेंट रेसिपी। बना के ठंडी करिए फ्रिज में, इस डो को ठंडा करिए और फिर आप उसको कुकी कटर से काट भी सकते हैं। मैं हार्ट शेप का कुकी कटर और पेपर लेके आई हूँ, अगर टाइम मिलेगा हम बेल देंगे, बेल के आप उसको काटें और फिर आप उसको बेक करें, ठंडे हो जाएं तो चॉकलेट में आप उसको डिप करें, वो भी आप कर सकते हैं। आज हमारे शो पे है डीलक्स पिज्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से, अवन नहीं हो तो इससे आप बना सकते हैं घर में पिज्ज़ाज, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, बहावलपुर, एबटाबाद, पेशावर एंड मुल्तान के रहने वाले मेरे फैंस एंड व्यूअर्स, अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, बहुत अच्छी बाय वन गेट वन फ्री इसमें ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, यू कैन यूज़ द होल ईयर राउंड, तो फिर आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है, 888-1 पे उसका आपने जवाब मुझे लिख के मैसेज करना है। कुकीज़ के नाम, बहुत सारे कुकीज़ बनाना सिखा चुकी हूँ फूड डायरीज़ में, दूसरे शोज़ में, तो 888-1 पे SMS कर दीजिएगा कुकीज़ के नाम, दो तीन कुकीज़ के नाम लिख के 888-1 पे SMS करिएगा। बार बार दोहराती हूँ, एम्फसाइज करती हूँ इसी बात पे, फिर भी लोग मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, मुझे फेसबुक पे लिख देते हैं, जवाब वहाँ यहाँ नहीं लिखें, सिर्फ एक जगह लिखिए SMS 888-1 पे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और सही जवाब भेज दीजिएगा, SMS कर दीजिएगा 888-1 पे, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की तरफ से ये पिज़्ज़ा पैन और वाउच 365 की कूपन बुक्स। ठीक है जनाब, अच्छा तो ये चॉकलेट और मक्खन मिक्स करके हम सॉस पैन में, शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है हम शेफ़ कुकवेयर इतने अरसे से अपने शोज़ पर यूज़ कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इन्होंने नॉनस्टिक कुकवेयर इंट्रोड्यूस कराया था, मोर देन 70 इयर्स से हमारे साथ हैं, पायनियर्स हैं ये नॉनस्टिक कुकवेयर में, और आप भी घर में इसको घर बैठे वेबसाइट से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, majesticchef.pk इनका वेबसाइट है, 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। एक और बात बताती चलूँ कि अगर आपको मेरी तरह खाना पकाने का शौक है, आप लोग हमारे शोज़ देखते हैं, घर से बैठ के आप कुछ कमाना चाहते हैं, तो फूड पैंडा का तो आपने सबने सुना होगा, घर पे हम खाना वगैरह मंगाते हैं फूड पैंडा के थ्रू, वहाँ आप जाके अगर देखेंगे तो होम शेफ़ के नाम से आप एक वो है क्या तो होम शेफ़ के थ्रू आप खाना मंगा सकते हैं, उसी तरह आप खुद भी अपना खाना वहाँ बेच सकते हैं। ठीक है, तो फूड पैंडा के थ्रू, होम शेफ़ के थ्रू आप खाना बेचिए और आप घर पे बैठे कमाइए, और अगर आपकी जॉब्स गॉड फॉरबिड चले गए हैं कोविड की वजह से, तो कुछ ना कुछ तो आपको घर से करना पड़ता है ना, कोई हॉबीज़ हों उनको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे हमारी हॉबी थी कुकिंग, तो अब हम खाना पका रहे हैं और हम अपना घर चला रहे हैं, इस तरह आप भी कर सकते हैं, सो ये आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ लेट्स कम टू आवर कुकिंग साइड, बेकिंग साइड, इसमें कुकिंग तो कुछ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो हम बस ड्रेसिंग बनाएंगे, और ड्रेसिंग में हाँ आज मज़ेदार सा हम यूज़ करने जा रहे हैं चिपोटले सॉस, डिपिट का। ठीक है, कोई भी हॉट सॉस आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज चिपोटले डालूंगी, बिकॉज ये मीठे हैं चुकंदर और दही वगैरह इसमें जाएगा, तो इसमें एक बहुत मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा उससे। और सॉसेस के तरफ आ जाते हैं, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, स्पाइसी मेयो एंड गार्लिक मेयो, तो इन्होंने यहाँ सैशेज में
अवेलेबल हैं डिपिट के सॉसेस के साथ साथ, यहाँ ऑयस्टर सॉस है, चिपोटले हैं, हबनेरो केचप है, बफेलो हॉट सॉस है, डिपिट का हॉट सॉस है, उसके अलावा चिपोटले छोटे बॉटल में भी है, टबैस्को है, सोया सॉस है, हबनेरो सॉस है, पिज्ज़ा सॉस पास्ता में भी डाल सकते हैं, बफेलो सॉस है एंड स्वीट थाई चिली सॉस है जो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्मोकी बारबेक्यू फ्लेवर का भी सॉस है जो आज यहाँ नहीं रखा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हबनेरो मैंगो सॉस जो है, इसलिए मुझे याद रह गया है कौन सा सॉस मिसिंग है, हबनेरो सॉस जो है मैंगो वाला फ्लेवर का, वो जो है वो तो आप आजकल मैंगोज हैं सीज़न में, बनाइए नज़र आओ, सॉस डालिए चिकन में, मीट में, बीफ में, और फिर उसके साथ ये मैंगोज़ क्यूब करके भी डाल दीजिएगा। चलें, बहुत सारी बातें ज़ारनक ने कर ली, अब ज़रा ज़ारनक थोड़े बेकिंग की तरफ भी तो आ जाए। एक कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, उसमें आपने आधा कप ब्राउन शुगर डालनी है, एक तिहाई कप आपने उसमें सफ़ेद पिसी हुई चीनी डालनी है, एक अदद अंडे की सिर्फ जर्दी इसमें है, थोड़ा सा नमक जाएगा, ढाई कप मैदा है और एक कप चॉकलेट चिप्स हैं। अब बातें इतनी कर ली कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो आएंगे और सब कुछ असेंबल करेंगे और बेक करने रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं हो मेरी तरह कि ठंडा करेंगे डोप, रोल करेंगे, काटेंगे कुकी कटर से, तो ये जो है ना, ये मेरे स्पैचुला की तरह अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई किचन इज़ माई आइसक्रीम स्कूप, उससे आप स्कूप आउट करके कुकीज़ रखते जाएंगे और आप उसको बेक कर देंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी और जल्दी जल्दी 888-1 पे बहुत सारे SMS कर दीजिएगा और हमें बताइए 2-3 कुकीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक कप बटर पिकन सॉल्टेड, काफ़ी सारी कुकीज़ इससे बन जाएंगे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कुकी कटर ऑल्सो। नंबर्स चलाइएगा ताकि हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर सकें, एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जो बनाते रहते हैं और चीज़ें मेरे शो से सीख के और मुझे तस्वीर पोस्ट भी करते रहते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे को यहाँ आधा टीस्पून जितना नमक डालना है, ढाई कप मैदे में, वो भी मैंने डाल दिया ताकि ये भी हो जाए। ओके, अच्छा जी, सफ़ेद चीनी, ब्राउन शुगर, अंडे की जर्दी, वेनिला एसेंस, ये हम करते हैं मिक्स। मक्खन बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी गर्मी है कराची में, खुद ही आते आते ही पिघल जाता है। ब्राउन शुगर, अंडे की जर्दी, एंड वेनिला एसेंस। ठीक है, फिर ये जाएगा, जरा थोड़ा मिक्स कर लें हम। कौन है जी? वरा? ओके जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई लाइक योर नेम, इट्स वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छी होती हैं, मुझे आपका नाम बहुत अच्छा लगा। सुने ना मेरी बात, तो सुने, मैं कह रही हूँ मुझे आपका नाम बहुत अच्छा और मुख्तलिफ लगा, इसका इसके मायने क्या हैं? खुशी। अच्छा, वरा मीन्स खुशी। ओके जी, फरमाइए जी। आपने, मैंने कोकोनट टार्ट बनाए थे ना, बहुत अच्छे बने। ओके थैंक यू। और कुछ? हमेशा मैं आपकी रेसिपी से बेकिंग फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छी टिप्स बताती हैं। थैंक यू। और आज का कोई क्वेश्चन है? सवाल हमने रखा है फॉर एनेक्स पिज्जा पैन और वाउच 365 की किताबें जो हैं, आपने बताना है 2-3 कुकीज के नाम, 888-1 पे SMS कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, आपने एक ओटमील कुकीज बनाए थे जी, और डबल चॉकलेट चिप कुकीज बनाए थे, और एक आपने लेमन और करंट डाल के लेमन करंट कुकीज भी बनाए थे। ठीक है, नोट कर दिया जवाब। अच्छा, एक चीज याद आई, मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ईस्ट का पैकेट खोलो तो खराब हो जाता है वो, फिर
उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकें ताकि वो दोबारा से यूज़ हो सके? मैं जब भी यीस्ट खरीदती हूँ मैं बड़ा पैकेट लेती हूँ, बड़े वाला पैकेट जो बाहर वाला जो मिल रहा है वो मैं लेती हूँ, छोटे से आशे में नहीं लेती, ठीक है? वो बड़ा पैकेट लीजिए, लाइए घर में, इस्तेमाल करिए, फिर उसको निकाल के एयर टाइट डब्बों में रख के फ्रीजर में, ठीक है, फ्रीज कर दीजिएगा। काउंटर पे, किचन में, कैबिनेट्स में नहीं रखिएगा, खराब हो जाएगा। खमीर को फ्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलिए, मिक्स कर दिया, मैदा और नमक यहाँ हमारा पास है एंड चॉकलेट चिप्स अभी जाएंगे, लेकिन पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। अच्छा, इस डो को अगर आप ठंडा करेंगे तो आसानी से आप इसमें मिक्स कर सकेंगे, इसको बेल सकेंगे और निकाल सकेंगे कुकी कटर्स से, वरना नहीं। हाँ, ये चॉकलेट चिप्स चले गए। अब चॉकलेट चिप्स डालने के बाद बीटर नहीं चला सकेंगे, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं और मिक्स कर देते हैं हर चीज़। एक तिहाई कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, आधा कप ब्राउन शुगर, एक कप मक्खन, 2 टीस्पून जितना हमने वेनिला एसेंस डाला था, आधा टीस्पून नमक था, 1 अदद अंडे की जर्दी थी, 2.5 कप मैदा था यानी 2.5, 1 कप हमने चॉकलेट चिप्स डाले थे, छोटे वाले मिनी चॉकलेट चिप्स मेरे पास हैं वो मैंने डाले थे। वाइट डाल दें, डार्क डाल दें, मिक्स डाल दें, मिल्क वाले डाल दें, सेमी स्वीट मिलते हैं वो डाल दें, बाहर बटर स्कॉच के फ्लेवर के मिलते हैं, मिंट के फ्लेवर के मिलते हैं वो डाल दें, चॉकलेट चॉप करके डाल दें, कुछ भी, व्हाटएवर। हो गया अच्छी तरह मिक्स। अब आप देखिए इस तरह आप उसके बॉल बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, आई विल नॉट बेलोफाई दिस। बेलोफाई करने के लिए, बेलोफाई नहीं, बेलने के लिए हमें देखें ये पेपर की ज़रूरत होती है और बेलन की और कुकी कटर की, लेकिन मैं लेके तो आई हूँ लेकिन ये ठंडा इनफ नहीं है। डो बेलेंगे तो फिर ये क्रम्बल हो जाएगा, तो बेस्ट है कि हम इसको स्कूप आउट करके रख दें जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। वेरी सिंपल चॉकलेट चिप कुकीज़ विल बी रेडी। अगर इसको आपको डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ करने हैं तो एक चमचा छान के इसमें आप कोको पाउडर ज़रूर डालिएगा, लेकिन छान के डालिएगा। फातमा है बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आपसे ये पूछना था कि कॉल आपके साथ मिली है, रिदा के साथ आज नहीं मिली, तो कोई खांसी के लिए कोई कहवा आपके माइंड में हो? गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो वो पिए तो आराम आए। आपने मुझे आपे वाले आपा की तरह टोटके वाली जाड़नक समझ लिया है क्या? अच्छा देखें क्या नहीं, है नहीं, गर्म पानी में नींबू डालें, लेमन डालें, अदरक डालें और पी लें। हाँ जी, लेमन एंड अदरक, नींबू अदरक। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, हाँ जी, अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। सवाल का जवाब तो नहीं दिया ना आपने, टोटका पूछने में लग गई, चली गई। सवाल का जवाब SMS कर दीजिएगा 888-1 पे। मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग टोटके वोटके पूछते रहते हैं, मुझे बेचारी जुबैदा आपा याद आ जाती हैं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, और वो बहुत फटाफट टोटके दे देती हर चीज़ के, उनके पास टोटके होते थे, मेरे पास टोटके नहीं हैं, मैं तो ऐसे ही जो घर में करते हैं वो बना बोल देते हैं आप लोगों को। अब इन कुकीज़ को हमें चॉकलेट में स्मियर करना होगा, जब बन के आएंगी ना मज़ेदार सी, अब आप खाएंगे तो अंदर से कुकी निकलेगी ऊपर से चॉकलेट। आई थिंक एक मैं बेक करने रख देती हूँ और एक को मैं जिस तरह जुगाड़ लगा के ना बेलना ट्राई करती हूँ। जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं मुझे, कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओके लेट्स टेक अ ब्रेक। चॉकलेट चिप कुकीज़, अच्छा मक्खन 1 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, पिसी चीनी 1/2 कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, नमक 1/2 चाय का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, मैदा 2.5 कप, चॉकलेट चिप्स 1 कप, पाइपिंग के लिए
चॉकलेट एक कप, मक्खन एक खाने का चमचा। तरकीब, मक्खन, ब्राउन शुगर, पिसी चीनी, वनीला एसेंस और नमक इतना फेंटें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। फिर अंडे की जर्दी डालकर फेंट लें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करके चॉकलेट चिप्स शामिल कर दें। अब डो को आधा अलग करके ढकें और एक घंटा ठंडा कर लें। उसके बाद आधी डो को दो वैक्स्ड पेपर के दरमियान में रखकर बेलें। फिर कुकी कटर से दिल की शक्ल दें और कुकी शीट पर रखें। अब इसे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 से 8 मिनट बेक कर लें। उसके बाद कुकीज़ को रैक पर रखकर ठंडा करें। फिर चॉकलेट और एक खाने का चमचा मक्खन साथ पिघलाएं। अब आधी कुकी को चॉकलेट में डिप करके वैक्स्ड पेपर में रखें और सेट होने छोड़ दें। आखिर में सर्व करें। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा। और हमने आधा डो कुकी स्कूप से निकाल के आइसक्रीम स्कूप से बेक करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने इस डो को पेपर के ऊपर रख के बेल दिया था, ठीक है। एंड देन व्हाट यू डू इज आप कुकी कटर से काट लीजिए इस तरह। अभी ये डो ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी सारे कुकीज़ बन जाएंगे, बनाते जाइए, डो को रोल री रोल करते जाइए। पेपर पे करने से एक फ़ायदा होता है कि यू कैन पिक इट अप ऑल्सो, चिपकता नहीं है, काउंटर साफ रहता है। कोई भी शेप में कर लेना, एनी थिंग यू लाइक। सेवन से किसकी कॉल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैडम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, जुमा मुबारक आप सबको भी। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, आपको शौक है खाना पकाने का? जी जी, रस केक मैंने बनाया था। अच्छा, रस बनाया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। और मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जी जी पूछें। जी मैंने ओवन खरीदा है, उसमें केक जब बनाता हूँ वो ऊपर से काला हो जाता है। तो आपके ओवन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, कम रखें थोड़ा। जी, और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जरूर। ऑटमेल कुकीज, ठीक है, बटर कुकीज, लेमन कुकीज, वनीला कुकीज। ओके वेरी गुड, थैंक यू जी, नोट कर दिया है आपका जवाब। और सेंटर शेल्फ में, फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल की है। थैंक यू, वेलकम, खुशामदीद हमारे शो में। आप जब बेक करने रखे ना तो सेंटर शेल्फ में रखिएगा, मिडिल में रखिएगा, ऊपर नहीं रखिएगा ज्यादा, उससे बहुत हीट लगती है, उससे भी जल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई ना? कहाँ गए, चले गए? अच्छा ये दिखाइए प्लीज, अभी नहीं हुई है। आई एम सो यूज टू माई किचन कि मैं ज़रा वैरी ऑफ दिस अवन नाउ। अच्छा नाउ इसको भी हम करेंगे, तब तक हम चॉकलेट लेते हैं, लोड्स ऑफ चॉकलेट, और उसमें हम डालेंगे एक चम्मच जितना मक्खन। शेफ कुकवेयर में हम पका रहे हैं इसको। अच्छा जी, नाउ फॉर द बीट रूट्स, उसको क्या करना है, आपने स्क्रेप आउट कर देने हैं बीट रूट्स को। किस किस को जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, डीलक्स पिज्ज़ा पैन एनेक्स की तरफ से, कुकीज़ के नाम बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा, ऑलिव ऑयल डाल के आपने इसको रोस्ट करने रख दिया था, चुकंदरों को छिलके समेत रखिएगा, ठीक है। अब हाथ बचा के करिएगा, बिकॉज पिंक हो जाते हैं हाथ पूरे, ग्लव्स पहन के कर लीजिएगा। आई विल जस्ट डू इट नाउ। इसका आपने छिलका उतार देना है, ठंडे हो तब, हाँ प्लीज़। और ये देखें, ये अंदर से ना रोस्टेड, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। रोस्टेड बीटरूट्स हम डालेंगे आज अपने सैलड में, ठीक है, और सैलड का ड्रेसिंग बहुत मज़ेदार सा बनाएंगे। ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ भी खाना ज़रूरी है, हर दफ़ा सेम सेम नहीं। आप भी सीखेंगे नई चीज़ें, आपके घर वाले मेहमान जो भी होंगे उनको भी कुछ नई चीज़ें खाने को चांस मिलेगा ना। हल्की आंच में रखिए, चॉकलेट कहीं नीचे लग ना जाए।
ठीक है, आराम से इसका छिलका ऊपर से निकल आता है। दीज आर नाइस एंड रोस्टेड। आप बॉयल करना चाहें बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉयल में वो टेस्ट नहीं आता है जो ऑलिव ऑयल के साथ रोस्ट में आता है। कुकीज़ हमारे बेक हो रहे हैं, वो निकलेगी ट्रे तो मैं दूसरी ट्रे रखूँगी। फिर ये चॉकलेट और मक्खन जो पिघल रहा है उसमें हम इसको डाल के डिप कर देंगे, पूरा चॉकलेट कोटेड हो जाएगा। अगला हफ्ता भी मेरे साथ रहिएगा, मैं बर्गर बंस बनाना सिखाऊंगी, बर्गर्स बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी कोल्सलो है, एक बेक मछली है पूरी, या फिर बनाना लीव्स में बेक करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, डिपेंड्स मुझे क्या मिलता है। अब इसको आपने फेंक देना है, ठीक है, और इसको हम चॉप अप कर देंगे। बस मैं हाथ धो लूँ बिकॉज माई हैंड्स आर रियली पिंक नाउ। 888 पे SMS करिए, कोरोना में हाथ धोते रहिए प्लीज़, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए जब बाहर जाएं। और कल मैंने दिखाया था मास्क कैसे पहनते हैं, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसमें हंसने की क्या बात थी। हमारी आवाम को अभी तक नहीं आता है ना मास्क कैसे पहनते हैं, तो भी जारनक को सिखाना पड़ा ना, क्या करें। अभी भी कोई लोग पहन नहीं रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम फिर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, क्यों ऐसे आप लोग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए तो एटलीस्ट मास्क पहने। इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसको हमने फ्रिज में रखी थी और आज हमने चॉप भी नहीं की है। इसको हम चॉप चॉप कर देंगे, ठीक है, और इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें भी कितना आसान है, लहसुन है, ताहिनी है, चिपोटले सॉस है, डिपिट का ज़ीरा है, नींबू का छिलका डालेंगे और ऑरेंज का छिलका भी मेरे पास है, और सी सॉल्ट यानी दानेदार नमक है, पुदीना है, सब कुछ मिक्स कर देंगे दही के साथ, ऑलिव ऑयल भी है, मिक्स कर देंगे। बीटरूट को चॉप अप कर देंगे जिसको हमने रोस्ट किया था ऑलिव ऑयल में, और फिर हम उसको इस ड्रेसिंग के साथ सर्व कर देंगे चिल करके सलाद के पत्तों के साथ। सो वेरी वेरी सिंपल रेसिपीज, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू मेल्ट। छुरियाँ कहाँ हैं, वो पीछे हैं। आज मैंने चॉप नहीं किया है, फ्रिज में रख दिया था मैंने लाते ही, इसलिए कि इट वॉज़ वेरी हॉट, चॉकलेट मेरी पूरी घर से इधर तक आने में ही पिघल गई थी। अब होगा होपफुली थोड़ा सा, गनेश में भी कर सकते हैं आप, दो कुकीज़ को गनेश के साथ आप सैंडविच टुगेदर भी कर सकते हैं, एक ही साइज़ के बनाइएगा और जब बेक हो जाएं तो ऐसे करके गणेश के साथ चिपका सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सैंडविच कुक चॉकलेट चिप कुकीज़ भी कर सकते हैं, या मैं तो उसको हाफ डिप भी कर सकते हैं या पूरा भी डिप कर सकते हैं, डिपेंड्स, ऊपर ड्रिजल भी कर सकते हैं, कुछ भी करिए, सब आई लीव इट टू यू। जब तक इसको पिघला रहे हैं ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज़। वेलकम बैक। चलिए अब हम सारी चीज़ें ड्रेसिंग की डाल देते हैं, दही गोज़ इन फर्स्ट, एक बोल में सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है जनाब। फिर ताहिनी पेस्ट मिक्स करके लीजिएगा बॉटल में से प्लीज़। फिर दानेदार नमक, ओके, थोड़ा सा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ, लहसुन चॉप किया हुआ या क्रश किया हुआ, ऑरेंज का छिलका चॉप करके या ग्रेट करके ले लें, और नींबू का छिलका जेस्ट, वाइट पार्ट नहीं आए, येलो पार्ट सिर्फ। पुदीना थोड़ा सा, नमक तो हो गया, बस दैट्स इट। चिपोटले सॉस लिपिट का मिक्स। एवरीथिंग शुड बी मिक्स्ड वेल, और इसमें आप डाल दोगे ये जो है हमारे रोस्ट किए हुए चॉप किए हुए बीटरूट्स, ठीक है, बहुत अच्छा रोस्टेड बीटरूट का टेस्ट आएगा। ऑलिव ऑयल में मैंने रोस्ट कर दिया था, ड्रेसिंग में मैं ऑलिव ऑयल नहीं डाल रही,
हाथों को ज़रा धो लूँ। अच्छा, एक ट्रे मैंने निकाल दी थी, हार्ट शेप के जो कुकीज़ थे वो मैंने डाल दिए थे ब्रेक में ताकि जल्दी से हो जाएं, और वो कुकीज़ को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है बिकॉज आई हैव टू डिप देम इन चॉकलेट। अब आपने इसको मिक्स करना है। ड्रेसिंग बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बिकॉज इसमें हमने टाहिनी भी डाली है, बीट एंड टाहिनी सैलड है ये, ठीक है। चिल करके आप खाइए। ड्रेसिंग अलग अलग कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होगा तो ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगेगा। टेक अ नाइस बोल प्लेटर वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, और उस पर आप सलाद के पत्ते वगैरह रख दीजिए, और फिर आप ये जो सैलड है उसको बीच में रख दीजिए, चिल करें, सर्व करें। एक और ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, राइट? मेरा तो काम हो गया तो मैं फिर ब्रेक ले लूँ ना कि नहीं? अच्छा, ठीक है जी, ये होगी सैलड। सिंपल रेसिपीज़ आराम से सब बना सकते हैं। There we go. Ta-da, done. Now we'll take a break. ब्रेक ले ली मैंने। बीट ताहिनी सैलेड, अच्छा चुकंदर 6 अदद, दही 40 मिलीलीटर, कटा लहसुन 2 चवे, ताहिनी 2 खाने के चमचे, चपूटले सॉस 1 चुटकी, जीरा 1 चुटकी, लीमू का रस और छिलका 1 लीमू का, ऑरेंज जूस और छिलका 1/2 ऑरेंज का, सी सॉल्ट हसबे जायका, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल हसबे ज़रूरत। तरकीब, अवन को पहले 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर चुकंदर काट कर अच्छी तरह धोएं और खुश करें। अब चुकंदर को एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल से कोट करके हर एक टुकड़े को अलग अलग एल्युमिनियम फॉइल से लपेट लें। उसके बाद इन्हें बेकिंग शीट पर रखकर 1 घंटा बेक करें, फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब पके चुकंदर को छीलकर चकोर काटें और बोल में डालें। उसके बाद दूसरे बोल में दही, लहसुन, ताहिनी, चपोटले सॉस, जीरा, लीमू का रस और छिलका, ऑरेंज जूस और छिलका और नमक शामिल करके ड्रेसिंग तैयार करें। फिर ये ड्रेसिंग डाइस्ड चुकंदर पर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में शैलो सर्विंग डिश में निकालकर ओलिव ऑयल से ड्रिजल करें और पुदीने के पत्तों से गार्निश करके सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। देखें ये भी कुकीज़ हमारे हो गए, लेकिन ऑब्वियसली इतने गर्म हैं, अवन में से अभी निकाले हैं मैंने, तो अभी मैं कैसे इनको डिप करूँगी चॉकलेट में। एक तो आप देख लीजिए कुकी जो ठंडी हो गई थी, मैंने ऐसे ही आई जस्ट डिप्ड इट इन सम मेल्टेड चॉकलेट और ऐसे करके ऐसे कर दिया आपने और ऐसे करके रख दिया, क्योंकि देखें ना अभी ठंडी नहीं हुई है। इनको तो मैं वहाँ रख देती हूँ, आई विल शो यू यहाँ रख के। लेकिन जो दूसरी हमारी कुकीज़ हैं, आई हैव टू डिप दिस एंड शो यू, बट व्हाट कैन आई डू ना, कितनी गर्म कुकीज़ हैं। हाफ डिप, तो उससे पकड़ी नहीं जा रही, ठीक है। इनको हाफ डिप करेंगे हम right out of the oven, but what to do? अच्छा जी, 1-2 मिनट इसको देते हैं, थोड़ा सा और हाथ में मैं पकड़ सकूं, मैनेज कर सकूं। ये तो चॉकलेट के कुकीज़ आपको बना के ठंडे करने हैं जाली पे, फिर 1/2 घंटे 1/4 घंटे बाद चॉकलेट में डिप करिएगा। वाउच 365 की कूपन बुक्स फरहा जीती हैं कराची से, एहसन लाहौर से, और एनिक्स का गिफ्ट जो है वो डॉक्टर जोया इस्लामाबाद से जीती हैं। और आज हमने बीट
यानी बीटरूट ताहिनी सैलड बनाया था। 4 से 6 छोटे बीटरूट ले लीजिएगा, ऑलिव ऑयल लगा के अवन में फॉइल के साथ ऐसे रैप करके रख दीजिएगा। 1-1.5 घंटे बाद निकालिएगा, रोस्ट हो जाएंगे, ठंडे करिएगा, छिलका उतारिएगा, चॉप अप कर दीजिएगा। दही लीजिएगा, लहसुन क्रश करके या चॉप करके लीजिएगा। ताहिनी लीजिएगा जो कि तिल और ऑलिव ऑयल का पेस्ट होता है जिससे हम हुमस बनाते हैं। फिर आप उसमें डिपिट का चिपोटले सॉस डालिएगा, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालिएगा, दानेदार मैंने नमक डाला था, पुदीने के पत्ते थे, और आप ऑरेंज का जूस भी डाल सकते हैं, जेस्ट भी डाल सकते हैं, और लेमन का भी आप जूस भी डाल सकते हैं, जेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों कर दिया था, जूसेस मैंने नहीं डाले थे, ठीक है जी। और ये सारा कुछ मिक्स करके आप चिल करके ये सैलड सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बीटरूट रोस्ट किया हुआ, और उसके साथ फिर दही के साथ ताहिनी का पेस्ट जिसके साथ आपने ड्रेसिंग बनाया है। और कुकीज़ जो थे वो भी मैं रिकैप कर दूं कि मैंने 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसमें मैंने 1/2 कप ब्राउन शुगर डाली थी, 1/3 कप सफ़ेद चीनी डाली थी, 2 टीस्पून वेनिला एसेंस थे, 1/2 टीस्पून नमक था, 1 अंडे की सिर्फ जर्दी थी, 2.5 कप मैदा था, और 1 कप चॉकलेट चिप्स थे। और 1 कप जितनी चॉकलेट ली थी इसके लिए उसमें 1 चमचा हमने मक्खन डाल के उसको मिक्स कर दिया था, ठीक है। अब आप देखें ये सेट होने लग गई हैं, अब ज़रा थोड़ा मैनेजेबल है ये चॉकलेट, तो आप ऐसे कोट करते जाइए और रखते जाइए जी। और अगर आप घर से कुछ बेचना चाहते हैं तो फूड पैंडा के ऐप पे जाके होम शेफ़ का जो ऑप्शन है वहाँ आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिएगा, वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर वो लोग आपको हेल्प आउट कर देंगे इन सेटिंग अप योर पेज एंड मेकिंग फूड फ्रॉम होम। वो लोग खुद आके घर से ले भी जाएंगे, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम देयर। पूरी चॉकलेट पूरी भी आप कर सकते हैं, देखें एक हम पूरी कर देते हैं। ठीक है, एनी वेज यू लाइक। बहुत बहुत डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल दिस बिकॉज इट्स राइट आउट ऑफ द अवन, बट मैंने आपको दिखाना था। बिग थैंक यू टू ऑल आर स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ऑन आवर शोज, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारा शो देखते हैं, आप लोग लॉकडाउन में क्वारंटीन में हमारे रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। हम सब के लिए भी दुआ करिएगा, हम सब भी सेफ रहें, आपके पास सामने आते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें, आपको नई नई रेसिपीज सिखाते रहें, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब मैं क्या इजाज़त लूँ, क्या करूँ, मैं घर जाऊँ फॉर द वीकेंड के नहीं हैं? थोड़े से हार्ट्स भी तो सजाएंगे ना, ऐसे थोड़ी जाऊँगी मैं। डन, ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं, अभी नहीं हुआ है, सेट नहीं हुआ है। चलिए आई होप आपने इस हफ्ते की रेसिपीज नोट की हैं, कुछ भी मिस आउट हो जाए, रात में 9:30 बजे शो रिपीट होता है, सैटरडे संडे हफ्ता इतवार, वैसे हमारी लाइव शोज से छुट्टी होती है लेकिन आप लोग हमारा शो देख सकते हैं, 3:30 बजे रिपीट शोज आएंगे। और अगले हफ्ते का मिस नहीं करिएगा, पूरा हफ्ता मेरे साथ रहिएगा। जो वीकली स्लाइड है, प्लान है, जो मैं बनाऊंगी, वो सब कुछ अपडेट हो जाता है। सारी रेसिपीज़ अंग्रेज़ी में, उर्दू में, तस्वीर के साथ हमारे पेज पे हैं, फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, जो 5 लाख+ मेंबर्स हो गए हैं, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटोज सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ आर पेज, बार बार वही रेसिपीज़ रिपीट करने को हमें ना कहें, वहाँ जाके सर्च कर दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग महीनों के अलग अलग एल्बम्स हैं, वहाँ जाके देखिएगा। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। Stay safe and have a nice weekend. Allah Hafiz. We'll be right back.
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।